अस्सलाम वालेकुम, मैं कुसर राव और आज मैं आई हूँ फिर मस्जिद वज़ीर ख़ान। इसकी एक ख़ास वजह है, ये एंट्रेंस है, ये वाली, यहाँ से आप नीचे आते हो मस्जिद वज़ीर ख़ान में, यहाँ पे एक कैफ़े बन गया है। कैफ़े जो है वो बना है जनाब कैफ़े कलंदर के नाम से, और मैं ज़रा देख के थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि मस्जिद का सहन है तो इस पर ये क्यों बना है, लेकिन होगी कोई वजह, या जो फॉरेनर्स आते हैं ख़ास तौर पे, या जो भी कोई विज़िटर आते हैं तो उनको खाने के लिए यहाँ पे ख़ास तौर पे बहुत मसला होता था। मैं भी उस दिन आई, बहुत गर्मी थी और पानी जो है वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं था, और फिर मैंने बहुत दूर से जाके पानी लिया, तो पॉसिबल है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया हो। तो आइए हम बात करते हैं, सामने हमारे एक बच्चा खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे आपका? बकार। बकार, आप यहाँ पे क्या करते हैं? जी मैम, हम पिशावर से आए, इधर ड्यूटी करते हैं, 10 घंटे ड्यूटी करते हैं। अच्छा, वेटर में? आप वेटर हैं यहाँ पे कैफे कलंदर में? कैफे कलंदर। अच्छा, और क्या रिस्पांस लोगों का जा रहा है, लोग आते हैं? जी मैम, लोग बाहर से आते हैं, ज्यादातर बाहर के लोग हैं, इधर फॉरनर्स हैं वो ज्यादा आते हैं, हमारे पाकिस्तानी कम आते हैं। पाकिस्तानी बहुत कम आते हैं, लेकिन इधर रेट जो है वो थोड़ा महंगा है, जाहिर है वो जैसे बाकी ऐसी जगहों पे वो थोड़ा सा बाकियों से ज्यादा होता है, रेट ज्यादा होता है, रेस्टोरेंट इस वजह से मैम ज्यादा होता है। हाँ सही सही। अच्छा, जैसे अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो एक कोल्ड ड्रिंक कितने की है? वो रेगुलर 100 का 100 का, वैसे 100. हमें जो है 40 की मिल रही है, 40 की मिलती है। अच्छा, काफ़ी डिफरेंस है ना, लेकिन फॉरेनर्स के लिए ठीक है? ठीक होते हैं, उनके लिए ठीक होते हैं। और आपकी सैलरी ठीक है, खुश हैं आप? अल्लाह के करम में खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टिपशिप भी दे जाते हैं फॉरेनर्स? हाँ, टिपशिप भी आ जाता है। डॉलर्स में देते हैं कि पाकिस्तानी रुपयों में? वो तो पाकिस्तानी में देते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। और आप कब से जॉब कर रहे हैं? हमारा तकरीबन 20-25 दिन हो गए इधर। अच्छा, अभी पहली सैलरी नहीं मिली आपको? वो मिल गया, 10 दिन का मिल गया, अभी 5 को मिल गया। अच्छा, अब यहीं पे करने का इरादा है? हाँ इंशाल्लाह इधर कर देंगे, अगर आगे जॉब अच्छी मिल गई इंशाल्लाह तो फिर आप वहाँ स्विच कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, ये जो है विक्टोरियन टी जो है ये रेस्टोरेंट सा इन्होंने बनाया हुआ है, और बड़ा ये देखिए तारीखी सा, और ये थोड़ा सा ये देखिए जैसे कोई ब्रिटिश फैमिली हो ना, वालदेन हैं और दो बच्चे हैं उस तरह से, और ये जैसे बग्गी का स्टाइल दिया हो तो ये अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, गुड, ये सही है। और इसी तरह से ये जो है ये बिन है, वेस्ट बिन है, और ये जो है यहाँ पर ये जी बर्गर का है, कोई बर्गर लाहौर डे कुछ इस तरह से है, और चे बर्गर सही है ये। अच्छा, अभी जो है मेरा ख्याल है सर्विस इतनी ज़्यादा शुरू इस टाइम पे शुरू नहीं, अभी टाइम जो हो रहा है असर का टाइम है, और ये बारबेक्यू का सेटअप है। अच्छा, ये जो है ये गाड़ी है, ये देखिए जैसे कोई ऑटो होता है ना, ये ऑटो का स्टाइल है, ये मूव भी करता है, हिलता भी है, ये मूव करता है, ये इधर ही खड़ा रहता है, लेकिन ये चलता है वैसे, मूव करता है ये, सही सही, क्रेन से उतरवाया है, सही, लेकिन अभी ये एक ही जगह खड़ा रहता है। अच्छा जी, वैसे ये मूवेबल है, मूव हो जाता है, लेकिन वो अभी कह रहे हैं हमने इसको क्रेन के जरिए नीचे उतरवाया है। फिर ये देखें जी कैफ़े कलंदर, ये कुछ यहाँ पे आई थिंक सो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, बेवरेज है, और ये जनाब टर्किश जो है एक ख़ास जो है उनका एक स्टाइल है, एक ख़ास उनका जो एक अंदाज है उसकी ये लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ भी वेस्ट बिन जो है वो है। अच्छा, ये सेटअप बड़ा प्यारा है माशाल्लाह से, ये बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा लग रहा है। अभी वो मैं पूछ रही थी उस लड़के से बकार से, तो वो कह रहा था कि जो 40 वाली कोल्ड ड्रिंक है वो यहाँ पे 100 की मिलती है, लेकिन अगर देखा जाए सेटअप के हिसाब से, जगह के हिसाब से, आई थिंक सो बिल्कुल ठीक है, 100 को इतना ज़्यादा नहीं है अगर एक कोल्ड ड्रिंक का। ऐसे ही अगर हम चिकन कढ़ाई वगैरह की बात करें या बर्गर की करें, अगर 350 वाला बर्गर हमें यहाँ पर 500 या 550 या 600 में मिलता है, आई थिंक सो बिल्कुल ठीक है। जगह भी तो देखिए ना आप किस जगह पर हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में मैं ऐसा कुछ चाहती थी कि
कि ऐसी जगहों पे ज़रूर ऐसा होना चाहिए, कोई अरेंजमेंट या कोई ऐसी जगह जहाँ यार बैठ के थोड़ी देर बंदा कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, कुछ खा लेता है, आप थक जाते हो और बाज़ार यहाँ से है तो वो सामने बिल्कुल, लेकिन खाने की कोई यहाँ चीज़ इतनी ज़्यादा करीब अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि यहाँ पर ये एक सिस्टम बन गया है, बेहतरीन है। अच्छा, पीछे की जो है इमारत आप देख सकते हैं, उन पे भी काम हुआ है इसी हिसाब से। मैंने पहले भी दिखाई है जब मेरा व्लॉग बना मस्जिद वज़ीर ख़ान का, और अब ये इसका सहन है इसके अंदर। ये भी ऐसे ही है जैसे ये देखिए बग्घी वगैरह हो ना, ये ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद जो है ना कुछ चीज़ें भी हैं यहाँ पर, ये देखिए ये हैं जैसे ये अब हैंडमेड जो है, छोटे छोटे ये क्लच हैं, और बैठक कातबा नाम अरबी फारसी उर्दू और उर्दू भारत में लिखवाने गोल्ड। अच्छा, ये देखिए एक चारपाई है, उसके ऊपर कुशन रखे हुए हैं, दरियाँ खेस वगैरह, प्यारा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। तकिया मौसीकी, ये तकिया मौसीकी क्या होती है? अच्छा, नजराना फी बैठक जो है 500 रुपीज़ है, और जनाब ये कोई होगा फिर 18 दिसंबर 7 बजे शब 2022 को होगा। कुछ बुक्स हैं जनाब ये, और ये मेरा सबसे फेवरेट ये वाला ये कॉर्नर है, मुझे बुक्स के साथ बहुत लगाव है और मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। हजरा गोशाए नूर कुतुब खाना रवायती फन पारे गुड, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी फेवरेट है, क्योंकि मुझे आई लव हिस्ट्री, बहुत मुझे पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे हिस्ट्री में जाना। बड़ी बार मैं इसका इजहार कर चुकी हूँ। ज़बरदस्त है, और मुझे लग रहा है सर्विस भी इनकी अच्छी होगी और इनके खाने भी अच्छे होंगे, मेरा ख्याल कहता है। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा सेटअप है, और ये स्टूल कितने प्यारे स्टूल हैं, कितने डिफरेंट से हैं, ऐसे स्टाइल छोटी सी चारपाई का है। अच्छा, ये क्या फॉर सेल है? कितने का ये सेल हो रहा है? साढ़े सात हज़ार में एक मिलेगा। अच्छा, और ये बनवाया कहाँ से है? ये खुद बनाया है। खुद बनाया है, डिफरेंट है ना थोड़ा सा बाजार से, तो इतना महंगा क्यों दे रहे हो? मिनिमम क्वालिटी चेक करें इसका, क्वालिटी इसकी ज्यादा अच्छी है। अब चेक करके पैसे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये लोहा इसका, हाँ ये भारी है, लेकिन फिर भी साढ़े सात हजार में ज्यादा महंगा नहीं? ये हमने बनाया, ये साढ़े छह हजार का। अच्छा, ये 6500 का, शीशम का लकड़ा है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, बिल्कुल। अच्छा, वो कितने का है? ये 10,500 का है। और ये किकर की लड़की है, शायद आप जानते होंगे। ये मुझे पता है किकर का, ये 22,000 का है। ये 22,000 का है, गुड गुड। अच्छा, लोगों का क्या रिस्पांस है? लोग आ रहे हैं तो लेते हैं, ले रहे हैं आपसे? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कौन ले रहे हैं? फॉरेनर्स ज्यादा ले रहे हैं? वो भी लेके जाता है, और जो हम लोग इधर वो भी लोग लेके जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो इधर बाहर से लोग आते हैं वो भी लेके जाते हैं। सही, क्या नाम है आपका? नाम हैदर। हैदर अली, यहाँ इसका कुछ रेंट देते हैं आप? जी, कितना रेंट दे रहे हैं? हम तो दो तीन दिन पहले मात तकरीबन देता भाई 12,000। अच्छा, बढ़ सकता है क्योंकि कम नहीं हो सकता, पाकिस्तान है ना, हालात ऐसा है, हालात ऐसे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चले, अल्लाह खैर बरकत डाले जी आपके काम में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मस्जिद वज़ीर ख़ान, एक बार फिर मैं मस्जिद वज़ीर ख़ान में। ये जो है ये सामने जो है ये रखे हुए हैं गमले, बड़े प्यारे लग रहे हैं, और एक सेंटर में ये बना हुआ सेटअप, ये सेटअप भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सेटअप है ये वाला भी। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ विजिटर्स आना शुरू हो गए हैं, देखें ये लोग,
और वो कह रहे थे कि ज़्यादातर जो फॉरेनर्स ही आते हैं यहाँ पर। ये जो अजरक जैसे स्टाइल में बड़ा प्यारा सा ये बना हुआ है और अच्छा लग रहा है, गुड। मैं ज़रूर यहाँ पे आना चाहूँगी एक दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताकि यहाँ पे किसी दिन खाना खाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जी ये जो है, अच्छा ये कुछ विज़िटर आए हुए हैं, ये जो लोग हैं ये विज़िटर हैं और ये अभी यहाँ से खाना खाएंगे, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ सिलसिला खाने का, तो इसलिए ये लोग वेट कर रहे हैं। और अभी इन्होंने भी फर्स्ट टाइम टेस्ट करना है खाना, ये कैसा बना कैसा है यहाँ का। बाकी जी ये सारी वही चीज़ें हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें प्लीज़, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर आपके पास टाइम हो और पैसे भी हो तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। ये एक बहुत अच्छा सा एक माहौल है, मतलब मुझे यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा कि कहो आने जाने का या इस तरह की कोई चीज़, ये मैं खुद से कह रही हूँ। और बहुत अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा सिस्टम, फैमिली के साथ ज़रूर आना चाहिए, चाहे महीने में एक दफ़ा आप आएँ, और हम भी ज़रूर आएँगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी के साथ जी अल्लाह हाफिज़।